नमस्कार दोस्तों, मैं योगी, मैं हूं अमरनाथ यात्रा पर। कल हमने अपनी यात्रा पहलगांव बेस कैंप से सुबह 5 बजे शुरू करके 16 किलोमीटर दूर टैक्सी से चंदनवाड़ी पहुंचे और चंदनवाड़ी सुबह 6:30 बजे से अपनी पैदल यात्रा शुरू करके 3 किलोमीटर दूर 9 बजे पिस्सू टॉप पहुँचे और वहाँ से आगे 9 किलोमीटर जोजीबाल नागाकोटी के रास्ते शेषनाग झील के रास्ते से होते हुए हम लोग 2 बजे शेषनाग बेस कैंप पहुँचे। रात को वहाँ टेंट में आराम करने के बाद आज सुबह हम अपनी यात्रा शेषनाग जी से शुरू करके पंचतरणी तक जाएंगे, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। आज की वीडियो में आपको अमरनाथ गुफा का ही सबसे ठंडी जगह, जो कि अमरनाथ गुफा से भी ऊँचाई पर है, जहाँ पर हम सब ने खूब बर्फ देखने को मिली, उसे गणेश टॉप या एमजी टॉप महागुणा टॉप भी कहते हैं। आज के वीडियो में आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अभी आप देख रहे थे इस पार्ट की हाईलाइट, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज की हमारी यात्रा शेषनाग से पंचतरणी तक रहेगी, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं। और ये अब हम नाश्ता भी कर लिया, नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं पंचतरणी की तरफ। सुबह सुबह 5:30 बजे ही शेषनाग बेस कैंप से पंचतरणी की तरफ जाने के लिए चेक पोस्ट पे ही कितनी लंबी लाइन लग गई है। यही पी के क्लास करती हो? ये देखिए सब लगे हुए लाइन में। और अब हम शेषनाग बेस कैंप से बाहर आ गए हैं। देखिए सामने चेक पोस्ट था और देखिए घोड़े वाले और पिट्ठू वालों की कितनी भीड़ लगी हुई है। चल फोटो ले रहा है क्या? नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पानी से गुजरते हुए शेषनाग बेस कैंप से थोड़ा से आगे देखिए ग्लेशियर से ऊपर से पानी आ रहा है। ये बीच में पानी है और इससे गुजरना पड़ रहा है। वो देखिए सामने कितने घोड़े वाले और पिट्ठू वाले। घोड़े वालों को कितना लंबा जाम लगा पड़ा है, बहुत लंबे घोड़े। और इस बगल में ग्लेशियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और ये देखिए ग्लेशियर हल्के हो चुके हैं। ये बर्फ़ है जिसमें हम चल रहे हैं। ये देखिए अब ग्लेशियर स्टार्ट हो चुके हैं। ये एक बड़ा ग्लेशियर है। इस वक्त हम लोग ग्लेशियर के ऊपर से जा रहे हैं। ये काफ़ी सख्त हो चुकी है बर्फ़, लेकिन फिसलने का भी डर है इसमें। ये ग्लेशियर और अब हम देखिए अब ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। देखिए घोड़े वाले आ रहे हैं एक लाइन से और सामने वो देखिए शेषनाग बेस कैंप नज़र आ रहा है। वो देखिए सामने शेषनाग बेस कैंप। देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर और इसी से जाएंगे। सुशील परफेक्ट ढंग से जाते हुए। और ये देखिए सामने ग्लेशियर वाली नदी। आप रुकिए, सारे रुकिए यहाँ। हाँ, एक बार इनको निकलने दो। देखिए घोड़े वाले, ये देखिए पैदल वाले बाएं तरफ रहो। लाइन में लगा, लाइन में आ जाओ पैदल वाले। अरे बीच में विजय भी आए यार। वो कितनी मोटी ग्लेशियर और सी के बुला। और ये देखो बगल में पुल है, ये पुल से हम गुजरेंगे पहले। और ये पुल क्रॉस करते हुए अभी हम नीचे से आए हैं। वो देखो पुल अभी क्रॉस करके और घोड़े वालों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रेस्ट करते हुए कितने सुंदर।
ऊपर से वो ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। जाते वक्त की होगी तुम्हारी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए चारों तरफ कितने सुंदर दृश्य है, देखिए। अच्छा बोले कोई मजा स्लाइड है, देखिए कितने सुंदर नजारे। नहीं मुझे नहीं चाहिए। देखिए अब हम शेषनाग से नीचे से आ रहे थे, कितने सुंदर दृश्य है सामने, क्या मनमोहक दृश्य। और ये सामने आ गया है वावल टॉप, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रह गया एमजी टॉप। पहुँच चुके हैं वावल टॉप, दिखाता हूँ आपको, ये आ गया है वावल टॉप। अब हम पहुँच चुके हैं वावल टॉप पर पहुँच चुके हैं हम, और अद्भुत नजारा वावल टॉप का। महादेव ने देखो नजारे का इंतजार कर रहे हैं हमारे। हाँ महादेव जी ये देखिए, और भक्तजन वापस आते हुए महादेव जी के दर्शन करते हुए वापस आ रहे हैं, और यहाँ भैजी भी फाइनली भर चुके हैं वावल टॉप। ये देखिए ये है वावल टॉप। वाह वाह वाह, तुम तो यार बहुत तेज चल रहे हो, तुम लोग की स्पीड। वाह वाह वाह, देख इधर इधर देखो, अरे वाह यार तुम तो, जय बोलेगी बोलेगी। हमारे दोनों साथी घोड़ों पे जाते हुए मेहनत करते हुए, जय बोलेगी। बस वो ये चढ़ाई खाई लास्ट चढ़ाई, और इस वक्त मैं हूँ वावल टॉप पे। और ये देखिए मैंने आपको अभी बर्फ़ दिखाई थी, और ये देखिए, और इस वक्त मैं वॉशरूम, और ये सामने भंडारे, और वो सामने है एमजी टॉप, महागुणा टॉप, गणेश टॉप। और इस वक्त हम लोग हैं वावल टॉप के भंडारे में, देखिए कितना बड़ा भंडारा इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। पोष पत्री का भंडारा इससे भी बहुत बड़ा भंडारा है, लेकिन वावल टॉप के भंडारे में भी देखिए आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इतनी ऊंचाई पर ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए अमरनाथ के भंडारों का विशेष महत्व है। भंडारे वाले किसी से भी भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सब यहाँ पे बराबर है, सबको समान चीज दी जाती है। लेकिन इनकी एक बड़ी शर्त होती है, उतना ही ले थाली में जो बर्बाद ना जाए नाली में। अर्थात यहाँ पे सबसे मुख्य बात है, आप खाने को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे भोजन उपलब्ध कराना, आप उतना ही लें थाली में जितना आप खा सकें, आप दोबारा भी जितना बार ले सकें ले सकते हैं। और इतनी ऊंचाई पे इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, वो भी हर एक के स्वाद को ध्यान में रखते हुए, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। पूरी अमरनाथ यात्रा में 250 से ज़्यादा भंडारे लगे हुए हैं। अब हमने थोड़ा सा हल्का नाश्ता वावल टॉप के भंडारे पे करने के बाद, ये देखिए सामने एमजी टॉप के लिए। और ये अब हम जा रहे हैं एमजी टॉप की तरफ, वो देखिए सामने एमजी टॉप, और बर्फ़ का रास्ता, बगल से बर्फीली नदी बहते हुए।
जी टॉप की तरफ जाते हुए। टॉप की तरफ जाते हुए देखिए साइड में कितनी बर्फ है। ए बम बम बोले, वो देखिए नहीं ये भाई नीचे आ रहे हैं। सुंदर मनमोहक दृश्य, नीचे वावल टॉप। अरे जय भोली जी, सेवा समिति के साथ आए हमारे भक्त। बम 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 बम, कैसी रही यात्रा और कैसा लग रहा है अभी? थकान आनंद ही आनंद है, होली का नाम लेते लेते बढ़ रहे हैं। अरे वाह, जय भोले जय भोले बम बम भोले। सामने दिख रही है एमजी टॉप, ये देखिए इसका क्या। हमारे साथ है मनोज भैया जो यात्रा में भी हमें मिले, उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य में हमारे फोटो भी लिए। और कैसी लगी आपको यात्रा? थकान कैसी लग रही है? थकान तो कुछ भी नहीं लग रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से अब आप ये एमजी टॉपी है जिस वक्त आप खड़े हो, और उसके बाद फिर नीचे डाउन है, आसान है थोड़ा, बस बहुत बढ़िया। जय जय भोलेनाथ, जय भोले जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय। तो गए एमजी टॉप पे और देखिए बर्फ के ग्लेशियर में चलते हुए, ये देखिए पूरा ग्लेशियर है ये। और अब हम पहुंच चुके हैं गणेश टॉप, जिसे एमजी टॉप भागुणास पर्वत भी कहते हैं, जो कि यात्रा का सबसे ऊंचाई वाली जगह है। कहने का मतलब है कि ये अमरनाथ गुफा से भी ज़्यादा ऊंचाई पे है। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से पंथ चढ़ने के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ता है। इसे गणेश टॉप और महागुणास पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस स्थान पर प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को रुककर इंतजार करने को कहा था। ये देखिए महेश भैजी भी पहुंच गए हैं एमजी टॉप, और सब लोग आराम करते हुए, क्या मस्त नज़ारे। अभी यहाँ से उतराई है यह भोले की, एमजी टॉप के टॉप पे हैं बिल्कुल, और हम नीचे जा रहे हैं। अभी यहाँ से डाउन है, ये देखिए ये आर्मी वालों के टेंट लगे हुए हैं, कुछ मेडिकल कैंप है। ये एमजी टॉप से अब नीचे जाते हुए ये बर्फ बर्फ की ग्लेशियर, ये बर्फ में जा रहे हैं हम। क्या जबरदस्त बर्फ है, ये देखिए यहाँ से रेस का निकलने का, पाँव को ग्रिप को बना के चलते हुए आराम से, चाहे आराम आराम से चलो लेकिन ग्रिप बना के चलो। अभी हम एमजी टॉप से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमें पोषपत्री भंडारा मिलेगा। और सुशील कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है बर्फ में चलते हुए। ये देखिए बर्फ, मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। ये देखिए हाँ, अरे कैसा लग रहा भाई? बढ़िया, बर्फ आप पास इन ग्रीप वाले शूज का फायदा क्या होता है? थोड़ा कठिन है पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पांव बना के चलो। लट्ठी भगवान आसानी से मिलते भी कहाँ। हाँ ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ ये बीच में से घोड़े वाले जा रहे हैं, अरम घोड़े मतलब की अच्छी है हमारी परफॉर्मेंस इस बार की। हाँ इधर बढ़िया है, उस वक्त थोड़ी ज़्यादा ही हाल से तो अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ हम फेल कर गए, सही कह रहे हो। भाई बर्फ में लेके फोटो खींच दो, ले आ जाओ खड़े हो जाओ बर्फ में, खींचो खींचवा लो अब जम के फोटो। बैजी और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और ये देखिए यहाँ के सुंदर नज़ारे देखिए अब। दर्शन करो, पिघल रहे हैं अंदर ना, क्या मस्त नज़ारे। बर्फ के संभाल के भैया, संभाल के
आराम आराम से पाँव जमा के बर्फ में। ये देखिए गड्ढे हो चुके हैं यहाँ पे, ये संभाल के ग्लेशियर में। और देखिए कितनी मोटी बर्फ की लेयर बीच में से काट के बनाया गया है। घोड़े, मेरे घोड़े वाला जा रहे हैं नीचे। ये देखिए पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा बर्फ ही बर्फ। पाँव को जमा के चलना है, पहले डंडी को भी। आपके पास डंडी नहीं है क्या? लट डंडी थी मेरे पास। हाँ वो भैया थे ना, आराम से आपसे जाओ, फिर आराम से पाँव टिका टिका के चलो। बर्फ में फिसलने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। मैं फरीदाबाद से हूँ, और आप कहाँ से हो? हैं? गुजरात से। देखिए ये आप गुजरात से आ रखी हैं, और कैसा लग रहा है आपको? ऐसे सुंदर नज़ारे देख के जय भोले की, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे ये एक बीच में पानी का पुल बना रखा है। दोनों तरफ भी देखिए ग्लेशियर। पिट्ठू वाले भागते हुए, देखिए सुंदर नज़ारे। देखो निकी भाई फोटो खींचते हुए, महेश भाई जी है जी, फोटो के पोज सुंदर सुंदर पोज, इतने पोज दिए हैं कि आज क्या बोलें, ज़बरदस्त। अच्छे अच्छे लोग शर्मा जाएं। बिल्कुल बगल से कितना बड़ा ग्लेशियर है, उसके बीच में बनाया हुआ रास्ता। बम बम भोले, सुंदर नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं। साइड से बर्फ का कितना, ये देखिए बर्फ जबरदस्त। बम बम भोले बम बम, एमजी टॉप से। और ये देखिए सुंदर नज़ारे, जय भोले की। और ये देखिए ये जा रहा है रास्ता, कितने सुंदर नज़ारे। ये देखिए लोग नीचे जा रहे हैं, और सामने दिख रहा है पोष पत्ती भंडारा, वो देखिए। सुंदर नज़ारे नीचे से घोड़े वाले जा रहे हैं पैदल वालों के लिए। देखिए सुंदर नज़ारे, ये देखिए दोनों तरफ से। और ये सुंदर बर्फ से खेलते हुए भाई, और ये सुंदर फोटो देखिए, दोनों तरफ से बर्फ है और उसके बीच रास्ता बना है। ये पोषपत्री नज़र आ रही है, ये देखिए कितना जबरदस्त। मैं बर्फ से जाता हूँ यहाँ से मुड़ते हुए, देखिए पूरा ग्लेशियर। ये पोषपत्री की तरफ जाते हुए कैसे लग रहा भाई? बहुत बढ़िया है, सुंदर नज़ारे। कहीं कहीं पर थोड़ी कठिनाई है, कहीं कहीं बहुत आसान है। ये तो है ही, इसी यात्रा के, इसी को यात्रा कहा गया। सुंदर फोटो भी, कहीं पर मुश्किल कहीं पर आसान, बहुत बढ़िया। भोले कर लिए जाओ नाम, करते चलो। जय भोले का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रटते जाइए। और आगे बढ़ते, देखिए हमारे भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब, जबरदस्त। आपकी बाबा, आपकी बार बाबा ने मौज कर रखी है बर्फ। सही कह रहे हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग, और उतना, और सबसे बड़ा देखो मौसम कितना अच्छा है। अगर ये बस
बस बारिश ना हो, जबरदस्त मजा आ जाएगा। वाह वाह, बहुत यात्रा मजा। ये किसी का पर्स है भाई, ये टांग रखा मैंने यार भाई। ये तो पोस्ट पत्री पे देखो, वहाँ पे अनाउंस भी करवा सकते हैं। ये देखिए कितने हमारे जय भोले जी सेवा समिति के साथ करने वाले भक्त यात्री, वो किसी का पर्स मिला है उन्हें, और वो देखिए कितनी, देखिए ऐसे होते हैं सच। जय भाई, यहाँ लटका रखा मैंने ताकि कोई देख भी ले तो। चलिए आगे बढ़ते जाइए, देखिए कैसा रास्ता है, साथ में बर्फ भी है, और वो सामने जा रहा है पोस्ट पत्री। बनाओ भोले, वीडियो कम पड़ जाएगी, बनाते ही बनाते। सही कह रहे हो, देखिए फोटो लेना जरूरी होता है। सही कह रहे हो, देख लोगों ने फोटो खिंचाई होगी तो बर्फ गंदी हो गई है। देखिए निकी भाई बड़े संभल संभल के चलते हुए, सुरेंद्र भाई हम बीच में, लेकिन साइड में बर्फ है और बीच में इन्होंने बर्फ हटा के, ये देखिए महागुड़ा टॉप से पोस्ट पत्री की जाते हुए इस बार काफ़ी बर्फ है और बीच में से काट काट के बनाई हुई। ये देखिए साइड में बहुत ही बर्फ है। ये देखिए सुंदर नज़ारे, हमने पोस्टपति नज़र आ रही है। ये देखिए साथ में बर्फ भी है। सामने पोष्पत्री की तरफ जाते हुए हम लोग, हेलीकॉप्टर पंचतरणी की तरफ जाता हुआ पहलगाम से रास्ते। ये पोष्पत्री की तरफ और अब हम पहुंच चुके हैं पोष्पत्री भंडारा। पोष्पत्री भंडारा इस अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा है। कहते हैं आपने पोष्पत्री भंडारा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और देखिए सामने अब हमें नज़र आने लग गया है सामने उसका गेट पोष्पत्री भंडारे का। पोष्पत्री का भंडारा, यहाँ का सबसे शाही भंडारा, जैसे है भोले की बारात आ गई हो इस भंडारे में ऐसा लगता है। चलिए आपको दिखाते हैं इस भंडारे की झलक। ये पोष्पत्री भंडारा शिव सेवक दिल्ली द्वारा लगाया जाता है। और अब हम पहुँच चुके हैं पोष्पत्री भंडारे में। अगर आपको पोष्पत्री का भंडारा देखना है, और आपको देखना भी चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ा भंडारा है इस अमरनाथ यात्रा का, उसका वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आगे की यात्रा में, जो कि है पोष्पत्री से लेकर पंचतरणी के अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।